जय हिंद दोस्तों। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो अपने एक दोस्त के रिकमेंडेशन पे, या फिर हमको उसके कहने पे ऐसा लगा कि शायद ये सबको ज़रूरत होता है। जैसे ऐसे तो मैथ हम पढ़ाते ही रहते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, 8th कंपटीशन, ये सब मैथ तो चलते ही रहता है नॉर्मली, लेकिन लगा कि कुछ वैसा मैथ बताएं जो डेली लाइफ में यूज होता है, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी है और जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए भी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी यूजफुल है, और अगर आप मन से नहीं पढ़ रहे हो फिर भी अगर कोई काम करते हो तो वहाँ भी यूजफुल है। तो इस तरह से छोटा छोटा हम 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो बना के और आपके लिए दे देंगे, और इस तरह से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि वो लाइफ में आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको ये डेली लाइफ में यूज करना है। तो अगर भूल गए आज हम पढ़ाएं 4 दिन बाद तो कोई काम की चीज़ नहीं रहेगा। चलिए 5-7 मिनट के क्लासे रहेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें। जैसे आज जो बताने वाले हैं ऐसे इस तरह से छोटा छोटा चीज़ हम बहुत सारा बताएंगे, लेकिन आज एक ही चीज़ एक ही क्लास में हम सब नहीं बताएंगे। आज तो सिर्फ बोल रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हम बताएंगे। आज जो बताने वाले हैं वो ये है कि आप लोग सुनते होंगे किसी को भी साढ़े, ठीक है, साढ़े सुनते होंगे, सवा, ये दोनों, पौने भी सुनते हैं, ठीक है, पौने, तीन चीज़ सुनते हैं, पूरा पूरी तो सुनते हैं, लेकिन इन तीनों में क्या दिक्कत होता है। जैसे साढ़े बोलते हैं, साढ़े का मतलब क्या होता है, साढ़े का मतलब हो गया जैसे अगर आप कहीं 1/2 लिखें तो 1/2 का मतलब पहले समझेंगे तबे ना। 1/2 का मतलब हो गया आधा। अगर 1/4 लिख ले हैं तो इसको आधा भी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि आधा के भी आधा है, मतलब चौथाई, ठीक है, इसको एक चौथाई ऐसे बोला जाता है, खाली चौथाई। एक होता है 3/4, जैसे बटा में 4 है तो जाहिर सी बात है कि चौथाई है, इसको बोला जाता है 3/4। अब ज़्यादा मैथ वाला टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब सिंपल भाषा में आपको बताएंगे। कहीं अगर आपको साढ़े मिल गया तो साढ़े का मतलब क्या है कि साढ़े अगर बोल रहा है तो उसके पहले हाफ लगाना है, 100% की हाफ लगाना है। और कह दिया कि नहीं, साढ़े मान लो 10:30 कह दिया तो क्या करेंगे सर, तो इसके लिए तो हाफ आएगा, और 10 कह दिया तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसके आगे सिर्फ 10 लगा दो, बस हो गया 10:30, इसका मतलब यही होता है। ऐसे जिसका मैथ अच्छा खासा उसको मैथमेटिकल टर्म में समझाया जाता है कि 10 प्लस हाफ, 10 प्लस हाफ को ऐसे ही लिखते हैं नॉर्मली, 10:30। 10:30 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सबसे बेहतर यही तरीका है, सबसे बेहतर। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मैथ उतना इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, लेकिन डेली लाइफ में आपको 10:30, 10:15 लिखना होगा, सबसे बेहतर यही है 10:30। सपोज दैट 10:15 लिखना रह गया, 10:15, तो 10:15 मतलब आपको समझना है 1/4, और 10 कह दिए तो पहले 10 लगा दीजिए, 10:15 हो गया। अगर 10:45 लिखना है, सपोज दैट मान लिया जाए कि 10:45, तो पहले तो 10:45 का मतलब क्या होता है, अगर 10:45 कह रहे तो 10:45 का मतलब ये हो गया कि अभी वो 10 है ना, 10 पहुँचने वाला है, इसको कैसे लिखे सर। तो ये तो पहली बात कि 10 है ये ना, सबसे पहली बात है कि 10:45 का मतलब वो 10 नहीं है, 10 तक तो अभी पहुंचा भी नहीं, तो 10:45 का मतलब क्या होता है, 10:45 का मतलब होता है 3/4। लेकिन ध्यान रहे कि 10:45 है, 10:45 का मतलब क्या है कि अभी 10 हुआ नहीं है, यहाँ पे 10 नहीं देंगे, 9 देंगे, इसको बोलते हैं 10:45, मतलब 10 होने में भी बाकी है। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है, 10:45, 10:15। अब 10:30 को कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि 10:30 है, तो 10:30 को ऐसे तो जिनका मैथ अच्छा है 10 2 20 21 कर लेगा, लेकिन जिनका मैथ अच्छा नहीं तो ये सब छोड़ दीजिए,
जिनका मैथ नहीं अच्छा है, जो मैथ उतना नहीं जानते, लेकिन डेली लाइफ में आप लोग को लिखना पड़ता है, गणित से सामना होता है, कई बार ऐसे देखते जैसे बूढ़े और बड़े तो बड़ी दूर की बात है, बच्चे भी जैसे सीबीएसई में है तो सीबीएसई में पढ़ने पर क्या है, 10/2, 10/2, 5/2, 7/2, 3/2, उसको पहाड़ा भी पढ़ाया जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 फटा 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 हटा फटा हटा हटे फटे, कोजी कोजी पढ़ता है समझ में, लेकिन जब मैथ यूज करने के बारी आता है तो बेचारा के एकदम सुन्न बटा सन्नाटा है, एकदम कुछ से यूज ही नहीं कर लेता, उसको 10/15 छोड़ो आधा लिखे नहीं आता, हाफ तो लिख लेता है लेकिन अगर आधा बोले नहीं समझ में आता, तो उसके लिए है जिनको लिखने पढ़ने नहीं आता फिर भी आप समझ आएगा 10/15। और एक तरीका और है, 10/15 का मतलब क्या हो गया कि 10/15 मतलब 21 रुपया को 2 भाग में बांट दो, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 21 रुपया 2 हिस्सा में बट गया। 10/15 का मतलब क्या हो गया, 10/15 अगर समझोगे तो 10/15 बेहतर तरीका यही है, उस पर मत जाओ, उसमें और कन्फ्यूजन। 10/15 अगर कहोगे, 10/15 क्या होता है, तो ज़्यादा मेहनत करना होगा इस पर, इसलिए यही लिखिए, ठीक है, क्योंकि हम सिखाने आए थे जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। और अगर मैथ अच्छा है तो 10×40 है कि 41 बटा 4 कर दो अगर मैथ अच्छा है तो, लेकिन मैथ जिनका नहीं अच्छा उसी के लिए तो हम ही आए हैं। अब जैसे मान लीजिए ये लिख दिए कि 4 है, अब बाद में लिख दिए 1/2, जाहिर सी बात है कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2, और पहले लिखा ले क्या 4 तो हो गया 4.5। जैसे ऐसे लिख दिया कि 4 है और 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 जो भी बोले, और 4 का मतलब हो गया 4.25। जबकि अगर वही लिख दिया गया 3/4 और पहले 4, तो पहली बात है कि 3/4 जो देख रहे हो उसको 1/4 बोलते ही नहीं हैं, पौने बोलते हैं, तो हो गया 1/2, और 4 न, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि 1/2 मतलब अभी उतना हुआ नहीं, जैसे जहाँ 9 लिखल है और 3/4 है, तो इसको बोलेंगे कि हम लोग 1/4 नहीं बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे, 1/5 मतलब 5 पहुंचने के कगार पे है, 4 से बहुत ज़्यादा है, 4 और 3 हिस्सा जोड़ लो 3/4। जैसे देखिए इतना अगर आगे बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग 1/4, घड़ी देखने आप लोग जानते हैं, और जब इतना इतना पहुंच जाएगा तो बोलते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब है कि अब एक हिस्सा पहुंचना बाकी है, यानी 3/4 अगर कवर हो गया, जैसे कि 5 रुपया और प्लस 3/4, 5 रुपया और प्लस 3/4 अगर कवर हो जाता है, मान लीजिए 5 रुपया 3/4, तो इसको बोलेंगे ना कि 5 × 3/4, तो 5 रुपया और 3/4, तो क्या बोलिएगा कि 5 रुपया हो गया और 3/4 कवर कर लिया, तो बोलो ना कि वो 1/4 है, तो इसी को बोला जाता है 1/2, ये 3/4 मतलब 1/2 और 5 मतलब 5 नहीं लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो आपको 1/4 लिखे ले आ गया, 1/2 लिखे ले आ गया, 1/2 लिखे ले आ गया, आप 1/2 कितनों कहीं लिख लें, 1/2 को एक और तरीका से लिख सकते हैं, देखिए एक और तरीका होता, कोई ज़रूरी है कि हम बटा चीटा लिखें, एक और तरीका होता है, जैसे यही चीज़ 10/15 को ही हम समझाते हैं एक और तरीका से, 10/15 ऐसे भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता, अगर 10th में पढ़ने वाले 150 बच्चे को अगर खड़ा कर दिया जाए तो मुश्किल से 10 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा, हम गारंटी कहते हैं, कोई कहीं भी पढ़ रहा है अगर उससे 10/15 लिखे ले, 10/15 लिखे ले, 10/15 लिखे ले कह दो, पसीना छूट जाएगा उसका, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं, अच्छे खासे विद्यार्थी को भी लिखने के लिए नहीं आता 10/15। अब 10/15 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं 10.50 हो गया, अब 50 लिखने का मतलब, चलो 50 लिखो, 10/15 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10.25, ये 25 क्या बतलाता है, देखो 10 रुपया 50 पैसा, 10 रुपया 25 पैसा, 10/15 का मतलब, तो देखो 10/15 का मतलब है कि 10 अभी होबे नहीं किया, ये 10 बजबे नहीं किया, तो लिखो 9 रुपया 75 पैसा, ऐसे, तो इसको 10/15, इसको 10/15, इसको 10/15, तो 10.5, 1/4, 1/5, यही तीनों बताना था कि कैसे लिखना है, बाकी आप जो चाहें कोई भी नंबर हो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 550, तो 550 का मतलब आप समझ जाएगा, मीन्स 9.5, 8.5 ही समय दिक्कत होता है, तो आज यहीं तक, क्लास बहुत छोटा था, ऐसे ही हम सोचे कि बैठे क्या करें, टाइम पास कर देते हैं, जो डेली लाइफ में यूज करता है उसके लिए यूजफुल हो जाएगा, बच्चों के लिए यूजफुल हो जाएगा, तो आज यहीं तक, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी फिर देखते हैं जब टाइम मिलेगा, जब ज़रूरत होगा, आपके लिए क्या चाहिए, आपको किस चीज़ में दिक्कत लगता है, केजी, किलोग्राम, ग्राम, घंटा, घड़ी देखने नहीं आता है, समय, वमय, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों में अगर दिक्कत है तो कभी भी कमेंट करके हमको बताइएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हमको लगेगा कि वो टॉपिक बताने लायक है तो बता देंगे, पक्का बता देंगे, जो भी आपके डेली लाइफ में रिलेटेड है। तो जब हमको टाइम मिलेगा इस तरह की वीडियो बना देंगे। आज के लिए धन्यवाद।